तो देखो बॉस, सीन कुछ ऐसा है कि जैसे मैंने पिछले वाले व्लॉग में बताया था कि अपना ये कॉलेज हो गया पूरी तरीके से ख़त्म, और साथ साथ में जितने भी मेरे दोस्त थे वो सब अपने अपने काम में बढ़िया तरीके से सब लग चुके हैं। तो बात ये आई कि अब जिसके साथ मैं रहता था वो तो करण, जो मेरा फ्रेंड है, वो जिसके साथ मैं रहता था वही, वो तो बढ़िया तरीके से पुणे शिफ्ट हो गया है। अब मैं रह गया अकेला, तो मुझे करना था अपना घर शिफ्ट, तो बस बस वही घर शिफ्ट करने में लगी। हालांकि घर शिफ्ट तो कर लिया है, बढ़िया, अपन बढ़िया एक नए घर में आ चुके हैं, बढ़िया जगह है, अच्छा घर है, पहले वाले से तो बढ़िया ही है। तो देखो बस, बाकी आगे की सारी कहानी जितनी भी जो भी है जैसी भी है, अपन इधर ही इसी घर से कंटिन्यू करेंगे, बढ़िया तरीके से घर अपन रहेंगे जितना भी समय यहाँ अपन को रहना है, और इधर से ही हम आपस में ऐसे बातचीत करते रहेंगे, ठीक है। अरे भैया, तो यार ब्लॉग में अमीरी दिखाना भी तो पड़ता है, जरूरी है। मैक, एक इधर आईफोन, ये पता नहीं क्या जो भी है, इधर वो तीन चार। जल्दी भैया, तो आपको दिख रहा है ना रूम की हालत कुछ ऐसी हो रखी है। तो बॉस क्या है कि हमारी बहुत जोर से ना तैयारी चल रही है खतरनाक तरीके से, सारा सामान पैक करने, और पैक होने के बाद हम लोग जाने वाले हैं हमारे नए घर में। और वो नया घर कहाँ है वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा कि वो कहाँ लिया है, पर जहाँ लिया है वो बहुत ही अच्छा है। तो बहुत मज़ा आ रहा है भैया, देखो जब भी रूम या घर चेंज करते हो ना तो इतना मज़ा आता है ना, मतलब सारा सुख चैन सब एकदम, गर्मी सर्दी सब एक साथ महसूस हो जाती है, बस ऐसा लग रहा है ना कि मतलब दिल से बहुत खुशी निकल रही है यार। चल भाई रुक जा, कॉल आ रहा है रिक्शा वाले का। भाई कैब आ गई अपनी। हेलो हेलो, सिर्फ कारण है जोहर का पार्ट नहीं है, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को टेक ओवर कर, मेरी आंखों में घुस जा, मेरी आंखों की नमकीन है। चलो तो वो सब आगे की कहानी बड़ी, अपन किसी दिन ऐसे ही मस्त तरीके से बैठ के आगे कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।